हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है फ्राइड अनियन की रेसिपी। कई बार सिंपल और बेसिक चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हमें उसे बनाना होता है। तो गाइज़, आज परफेक्ट तरीके से मैं बताऊँगी आपको कि हम बिरयानी के लिए फ्राइड अनियन किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज़, आइए फटाफट इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो प्याज, जिसे मैं अब छील रही हूँ। इसकी स्किन को हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। गाइस, मैंने इसे छील लिया है। अब ऊपर वाले पोर्शन को जो है हमें निकालना है नाइफ़ से। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही कड़वा होता है। तो इसे निकाल के बीच में से काट लेते हैं और अब इसके स्लाइसेस को कट कर लेती हूँ मैं। तो स्लाइसेस को ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम स्लाइसेस को कट करना है। अगर आपके पास स्लाइसेस कटर हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं मेरे सारे प्याज को काट लूँगी और इसके जो पोर्शन है उसको अलग कर दूँगी। तो ये देखिए, इसके जो पार्ट्स हैं उसको मैं खोल रही हूँ, निकाल देती हूँ, बिल्कुल अलग कर देती हूँ। तो गाइस, मैंने इसी तरीके से अपने सारे प्याज काट लिए हैं। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, जिस पे मैं डाल रही हूँ आधा कप रिफाइंड ऑयल और इसे मीडियम फ्लेम में गर्म होने दूँगी। तो गाइस, तेल गर्म हो गया। यहाँ पे हम एक प्याज डाल के ट्राई कर लेते हैं हमारा तेल कितना गर्म है। ये देखिए, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। ये एकदम ज़्यादा वाला गर्म नहीं हुआ है, नॉर्मल गर्म है। तो गाइस, अब इसी स्टेज में हमें हमारे सारे प्याज को डालना है। तेल को याद रखिए मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो गाइस, मैंने मेरे इसमें सारे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और अब इसे मैं चलाते हुए फ्राई करूँगी। प्याज डाल दिए हैं, अब इसे हमें चलाना है और इसे इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है। तो गाइस, 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से हो गया, इसका जो कलर है वो थोड़ा भी चेंज हुआ है कि नहीं। तो गाइस, 5 मिनट हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बस क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो हमें 5 मिनट के लिए इसे और भी इसी तरीके से फ्राई करना है। और याद रखिए, फ्लेम को लो रखना है, मीडियम रखना है, जिससे कि प्याज जले नहीं। अगर आपने थोड़ा सा भी फ्लेम को हाई कर दिया है तो हमारे प्याज नीचे से गाइस वो तले में, कढ़ाई के तले में चिपक जाएंगे और बहुत ही ईजिली वो जल भी सकते हैं। तो हमें फ्लेम को लो रखना है। पाँच मिनट के लिए गाइज मैं इसे और भी इसी तरीके से फ्राई करूंगी। देखिए, मैं चला रही हूँ इसको, हमें चलाते हुए फ्राई करना है। देखिए, 5 मिनट और भी हो गए हैं और प्याज जो है धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो गया है। देखिए, 5 मिनट और भी इसे ऐसे ही फ्राई करना है। तो देखिए, 5 मिनट और लगे हैं और प्याज थोड़ा सा जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अभी हमें 5 मिनट और भी फ्राई करना है। तो गाइस, करीब मुझे इसमें लग गए पूरे 20 मिनट इसे फ्राई करने में। और अब देखिए, पूरे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है। लेकिन अभी भी थोड़े से जो प्याज हैं वो गाइस आपको दिख रहे होंगे, थोड़े से प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हुए। लेकिन अब मैं इसी स्टेज पर अपनी जो गैस की फ्लेम है उसको ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो तेल है वो गर्म है मेरी कढ़ाई में और इसी गर्म तेल में प्याज मेरे जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर आपको अपनी फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपने और भी थोड़ा सोचा कि हम इसे थोड़ा सा और भी पका लेते हैं, और भी थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन तेल तो गर्म रहता है और वो जल सकता है, तो आप इसे फ्राई होने से कुछ देर पहले आप अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। तो गाइस, देखिए मेरे जो प्याज हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, पूरे फ्राई हो गए हैं और ये ठंडे होने के बाद और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो गाइस, ये देखिए तेल ठंडा हो गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्याज भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे परफेक्टली फ्राई हो गए हैं। और मैं इसे कर देती हूँ एक कॉर्नर में, जिससे मेरे जो अनियन है, जो मेरे फ्राइड अनियन है, उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मेरी कढ़ाई में निकल जाए। तो गाइस, मैंने इसे कॉर्नर में कर दिया और 5 मिनट मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं गाइस इसे शिफ्ट कर लेती हूँ एक प्लेट में। तो गाइस, ये देखिए मैंने इसे शिफ्ट कर लिया एक प्लेट में और ये देखिए कितने परफेक्ट ही मेरे जो प्याज हैं वो फ्राई हो गए हैं।
अब मैं ये बिरयानी में डालने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। आप इसे बिरयानी में डाल के इंजॉय कीजिए। तो गाइज़, आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितने अच्छे से फ्राइड हुए हैं, क्रिस्पी। तो गाइज़, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।